उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सरौली गौसपुर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर सरयू नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए नोडल अधिकारी श्रीमती राधा एस चौहान अपर मुख्य सचिव द्वारा औचक निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस दौरान बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर राधा सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सहित मुख्य विकास अधिकारी मेघारूपम एवं कई अन्य अधिकारी कर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर राधा सिंह से हमारे संवाददाता अखिलेश दास ने बातचीत की है। जी हाँ, उन्होंने बातचीत कर क्या कहा ये सुनते हैं कि कल से लेके परसों तक यानी 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कुछ आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। और ये निर्देश दिए गए हैं कि एक विशेष अभियान चलाया जाए, डोर टू डोर अभियान चलाया जाए, जिसमें हम लोग चिन्हित करेंगे ऐसे सभी मरीजों को जो कि सस्पेक्टेड केस हो सकते हैं कोरोना वायरस के। साथ ही संचारी रोग का भी अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग को घर घर जाके सबको अवगत कराना है कि कैसे इस समय, क्योंकि मौसम इस प्रकार का है कि संचारी रोग की बढ़ने की शंका होती, कैसे उससे बचाव इत्यादि किया जा सके। इसी क्रम में शासन द्वारा हर जिले में एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उसी क्रम में कल से मैडम हमारे यहाँ पे जनपद में है, अपर मुख्य सचिव महोदया मैडम व्यावसायिक शिक्षा की, उनके द्वारा आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया और यहाँ पर भी ज़मीनी हकीकत देखी गई है और आवश्यक दिशा निर्देश हम सबको दिए गए। तो बाराबंकी जनपद के जिला अधिकारी डॉक्टर राधा सिंह की बातें सुनकर क्या पूरा माजा समझियों के कि किस वजह से आज नोडल अधिकारी राधा एस चौहान पहुंची और किस तरह से आज औजार निरीक्षण किया गया। फिलहाल बाराबंकी जनपद में सरौली गौसपुर क्षेत्र के लिए नवनीत वाजपेयी समेत अखिलेश दास की ब्यूरो रिपोर्ट। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।